नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं पांथे साहित्य कला अकादमी दिल्ली और साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई को शुभकामनाएं देना चाहूंगी जिन्होंने ये संगोष्ठी आयोजित करी, साथ ही डॉक्टर प्रदीप कुमार जी जिन्होंने मुझे यहाँ के लिए आमंत्रित किया, डॉक्टर सत्यनारायण जी मॉस्को में आने के बाद आज तक मुझे याद रखा और मुझे साहित्यिक संस्कृत शोध संस्थान मुंबई के साथ जोड़कर रखा। माफ करिएगा, मैं हिंदी की विशेषज्ञ नहीं हूँ, हो सकता है कि हिंदी में मैं थोड़ी गलतियाँ करूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरी भाषा रूसी है, रूसी में ही मैंने अपना PhD भी कंप्लीट किया और अभी मैं मॉस्को यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ा रही हूँ। जैसा कि बहुत से लोगों ने यहाँ पर कहा कि विषय की जानकारी उनको नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, मुझे डॉक्टर प्रदीप जी ने नारियों के ऊपर बोलने के लिए कहा था, पर मुझे लगता है कि विश्व संस्कृति और पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छा विषय है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूस में कम्युनिस्ट टाइम पर जब USSR था तब वहाँ की जो लिटरेचर था वो यहाँ पर भी पब्लिश होता था, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसपे मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, आपको कुछ जानकारी दे सकती हूँ। और ये एक मंच है, जैसे मैं मॉस्को से आई हूँ, ये एक मंच है, आप कुछ मॉस्को के बारे में या रशिया के बारे में जानना चाहेंगे तो जितना समय है मैं थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। 70 और 80 के दशक में अगर आप जानते हैं तो रशिया से यहाँ पर लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा पब्लिश होता था, जिसमें कि राधुका और प्रोग्रेस पब्लिशर थे और पीपल पब्लिशर यहाँ पर रशिया का लिटरेचर पब्लिश करता था। रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसको मैं कहूँगी, जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं तो रशिया लिटरेचर में एक सोने की चिड़िया है, जहाँ पे बहुत ही बड़े लेखक जैसे पुश्किन, गोर्की, टॉल्स्टॉय, ये सभी नाम आप